नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है और ज्ञानवापी के सर्वे में मुस्लिम पक्ष जो हमेशा ये कहता रहा है कि ये एक पुरानी मस्जिद है, ये बिल्कुल फ्रेश जमीन पे बनी है, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, अब दबी जुबान में वो भी ये मानने लगा है कि नहीं, पहले कुछ गलतियाँ हुई हैं और मंदिर को नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी वो यह मानने को तैयार नहीं है कि इस मस्जिद को हटाना चाहिए। वो कोर्ट में ये बोल रहा है कि इस मस्जिद में 500 साल से अजान होती रही है, तो अब इसको न हटाया जाए। जबकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जो चीज़ हमारी है उसमें अगर आप मस्जिद बना देंगे तो हम क्यों माने। भाई, आप मंदिर को मस्जिद कहेंगे तो ये मानने योग्य नहीं है। तो उनका कहना भी ठीक है कि अगर भूतकाल में कुछ आक्रांताओं ने या औरंगजेब जैसे लोगों ने मंदिर को हटा कर मस्जिद बनाया है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद हमेशा स्वच्छ जगह में बनाई जाती है, साफ जगह में बनाई जाती है। और जो मस्जिद के अंदर से त्रिशूल, घंटा, इस तरह के जो भी चीज़ें निकल रही हैं, जो भी हिंदुओं के सिंबल निकल रहे हैं, उससे यह पता चलता है, वहाँ दीवारें चीख चीख के बोलती हैं कि यहाँ पे कभी जो है मंदिर रहा है। लेकिन मुसलमान पक्ष इसको नहीं मानता। मुसलमान पक्ष कहता है कि केवल श्रृंगार गौरी वाली दीवार ही उनकी थी, बाकी उनका नहीं था। लेकिन हिंदू पक्ष भी अड़ा हुआ है और सर्वे की जांच होने के बाद यह सब क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्वे से ये साफ हो गया है कि वहाँ पे जो है हिंदू मंदिर था, वहाँ काशी विश्वनाथ था। योगी ने भी कहा है कि अगर भूतकाल में कोई घटना हो गई है तो वर्तमान के लोगों को जरूरत है कि वो खुले दिल से आए और कहें कि साहब ये गलती हो गई है और इसको जो है बदलना चाहिए, तो उनको इसमें साथ देना चाहिए। लेकिन वो साथ देने की बजाय नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, वो रुकावट बन रहे हैं, वो सर्वे के काम में रुकावट कर रहे हैं। फिलहाल अब सर्वे तो होना ही है और जो सच्चाई वो सामने आके रहेगी, क्योंकि शिव ही सत्य है, इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम, जय हिंद।